हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल कैरेक्ट्रिस्टिक्स जो है आर्ची बैक्टीरिया के तो पहला कैरेक्ट्रिस्टिक्स हम इनका देखेंगे वो ये है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोक्रडिक होते हैं ये पाए जाते हैं एक्सट्रीम एन्वायरमेंट्स में इनकी जो शेप होती है या तो ये स्फेरिकल होंगे रॉड शेपड स्पायरल लोबड क्यूबाइडल ट्राइंगर प्लेट शेप्ड इरेगुलरली शेप्ड और प्लीमॉर्फिक आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं या तो ये ओब्लिकेट एनारोब्स होंगे या तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है आर्ची बैक्टीरिया का वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से और बाकी के यूकैरियोट्स से क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन में इथर लिंकेज होती है इनका जो रिजिड सेल वॉल होता है वो लैक करता है पेप्टिडोग्लाइकन और इनका जो वॉल होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन्स का और नॉन सेलोजिक पॉलीसेकेराइड्स का जिसे कलेक्टिवली कहते हैं जो कि रेजिस्टेंट होता है लाइज के अगेंस्ट ये मतलब कि मोर देन टू हंड्रेड से भी ज़्यादा हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं और इनका ये इनडिफरेंट होता है टुवर्ड्स मेजर एंटीबायोटिक्स न्यूट्रिशनली अगर देखा जाए तो ये कीमोलिथोआट्रॉफ्स हो सकते हैं या ऑर्गेन तक सक हो सकते हैं इनका जो मोस्ट कॉमन मोड जो है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्चुअल है और एसेक्चुअली किस से बाइनरी फिशन से अब हम इनके यूनिक फीचर्स देखेंगे सेल वॉल जो होता है ये बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड्स का या प्रोटीन्स का जिसे सीडोमोरीन कहते हैं बट ये लैक करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी ब्रांचड चेन हाइड्रोकार्बन होती है जो कि अटैच होती है ग्लिसरॉल से बाय इथर लिंकेज अगर हम देखेंगे बाकी में जो कि बैक्टीरिया है और जो यूकेरट्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांचड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ विद एस्टर लिंकेज ये परफॉर्म करते हैं यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि यूकेरट्स करते हैं और इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ जीन्स में जैसे कि यूकेरट्स में होते हैं और ये ऐसे खाली ऑर्गेनिजम्स है जो कि कैपेबल है मिथुनाजैनिस के मेजॉरिटी जो है आर्ची की या जिसे हम कहते हैं आरची बैक्टीरिया उनको कल्चर नहीं किया जा सकता है लेबॉरट्री सेटिंग कल्चर में जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टेक्निक्स जैसे कि आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किया जाता है डीएनए आरएनए जो कि डायरेक्टली किससे किया जाता है एनवारेंट से और उसे यूज़ किया जाता है उसके यूबिकस प्रेजेंस की वजह से अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्च बैक्टीरिया के बारे में इनके मेजर ग्रुप्स के बारे में आर्च बैक्टीरिया जो है इनकी तीन मेजर टाइप्स हैं पहला है मिथुनाजेंस हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स मिथुनाजेंस और हेलोफाइल्स को एक डिवीजन में रखा गया है जिसे कहते हैं यूआर कोटा और थर्मो ऐसीडोफाइल्स को दूसरे डिवीजन में रखा गया है जिसे कहते हैं क्रीनैर कोटा अब हम पढ़ेंगे मिथनोजेंस के बारे में मिथनोजेंस जो है ये स्ट्रिक्ट एनारॉब्स है और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को ऑर्गेनिक वेस्ट से मेम्बर जो है इस ग्रुप के यानी मेम्बर जो है मिथनोजेंस के वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को किसमें मीथेन गैस में जिसे सी एच फोर कहते हैं किससे अनयूजल और कॉम्प्लेक्स पाथवेज से मिथुनजेंस जो है ये पाए जाते हैं मार्शी एरियाज़ में और ये पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्टर जो होता है कैटल्स का यानी र्यूमिनस का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इन्हें एम्प्लॉय किया जाता है यानी इन्हें यूज़ किया जाता है ताकि बायोगैस की प्रोडक्शन कर सके जिसे गोबर गैस भी कहते हैं किससे बायोगैस की प्रोडक्शन करनी है डंग से और सीवेज से र्यूमिनस में ये क्या करते हैं ये उनको मदद करते हैं सेलडोज की डाइजेशन में इनकी एग्जाम्पल है जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनो कोकस अब हम पढ़ेंगे हेलोफाइल्स के बारे में ये ऐसे आर्ची बैक्टीरिया होते हैं जो किन हैबिटेट्स में रहते हैं जहाँ पे हाई साल्ट कंसंट्रेशन होती है और ये रह सकते हैं पानी में जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन टू पॉइंट फाइव टू फाइव मोलर या और 15 टू 30 परसेंट होगी ओशनस जनरली हैव साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ 4 परसेंट यानी यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि ओशंस में जनरली साल्ट कंसनट्रेशन कितनी होती है फोर परसेंट की लेकिन ये कहाँ पे रहते हैं जहाँ पे साल्ट कंसनट्रेशन कितनी होगी फिफ्टीन टू थर्टी परसेंट हो ये पाए जाते हैं साल्ट लेक्स में और ऐसे एरियाज में जहाँ पे सी वाटर की एवेपरेशन होती है ओ जैसे कि ग्रेट साल्ट लेक है जो कि यू में पाया जाता है और डेड सी ये एरोबिक होते हैं और एक होते हैं एग्जाम्पल है, है हेलोबैक्टीरियम जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ दिखाता है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट साल्ट कंसनट्रेशन के टाइम हेलोफाइल्स जो होते हैं वो एबल होते हैं कि वो रह सके हाई साल्ट कंडीशंस में चार रीजन की वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेशल लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूसलेज कवरिंग की ऑकरेंस होती है एबसेंट होते हैं सैफेक्यूल्स और हेंस प्लाजमोलिस और हाई इंटरनल साल्ट कंटेंट होता है बहुत सारे हेलो फाइल्स जो है वो यूज करते हैं रेड पिगमेंट ताकि वो सिंथिसाइज़ कर सके ए को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये रेस्पॉन्सबल होते हैं जो रेड कलर होता है सी का और जो रेड कलर होता है साल्ट पॉइंट्स का अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स के बारे में जिन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहते हैं ये ऐसे आर्च बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास डोल एबिलिटी होती है कि ये टॉलरेट करेंगे एक तो हाई टेम्परेचर को भी और ये टॉलरेट करेंगे हाई एसिडिटी को भी हाइपर थर्मोफाइल्स जो होते हैं ये फ्लोरिश करते हैं किस टेम्परेचर के बिटवीन एटी डिग्री सेल्शियस से लेकर वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्शियस जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और ये इस और ये ग्रो नहीं कर सकते हैं बिलो फिफ्टी डिग्री सेल्शियस ये रहते हैं वॉलनिक वाटर में सॉयल में सम मरीन वेंट्स में और ये ऑफन साल्ट और एज वेल एज एसिल टॉलरेंट भी होते हैं यानी थर्मो एसिडोफाइल्स कुछ थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर तक रहते हैं वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक जिसे टू हंड्रेड थर्टी डिग्री फेरानाइट्स में मतलब कन्वर्ट करके ऐसा मिलेगा और पीएच जो होगा वो क्या होगा वो लेस देन होगा टू थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि आर्चोबैक्टीरिया है ये कीमो सिंथेटिक होते हैं पायरोलोबस फमेरी ये क्या करता है ये होल्ड करता है अपर टेम्परेचर लिमिट को ताकि ये ज़िंदा रह सके और जो ये अपर टेम्परेचर लिमिट है वो है 113 डिग्री सेल्सियस पिक्रोफिलस ये मोस्ट एसिटोरड ऑर्गेनिज्म जो कि जाना जाता है और ये ग्रो करता है किस पीएच के अराउंड ज़ीरो टू वन थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं ये एबल होते हैं कि ये टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को एज वेल एज हाई एसिडिटी को किस वजह से दो रीजंस की वजह से है पहला है ब्रांचड चेन लिपिड्स होंगे सेल मेम्ब्रेन में दूसरा है स्पेशल रेजिस्टेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से जिसकी वजह से ये कैपेबल होते हैं कि ऑपरेट कर सके एसिडिक कंडीशन के अंडर भी